संध्या साहू को न्याय दिलाने के लिए समाज आगे आया, अगर न्याय नहीं मिला तो गुना से मुख्यमंत्री निवास तक संघर्ष यात्रा निकाली जाएगी। पीड़िता सहित फरियादी परिवार जेल में बंद, नहीं मिला इंसाफ, न्याय के इंतजार में समाज है। बेटियों की आबरू पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जिसे इंसाफ की तलाश हो और अगर वही परिवार जेल में बंद हो जिसे जेल में बंद रहना चाहिए उसे खुले में छोड़ रखा है। इसी संबंध में बुधवार को साहू समाज के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें साहू समाज के पदाधिकारी उपस्थित थे। इसमें उन्होंने बताया कि 4 फरवरी को जो घटना नानाखेड़ी पिपरौदा खुर्द चौराहे पर घटित हुई, इसका एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें सच्चाई यह है कि अजय धाकड़ युवक संध्या साहू को काफी समय से परेशान कर रहा था, जिसे कैंट थाने में शिकायत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा पीड़ित परिवार की ना सुनते हुए पीड़िता सहित पूरे परिवार को ही जेल में बंद कर दिया गया। यहां तक कि जेल में बंद परिवार के अभी तक अग्रिम जमानत के पेपर भी पुलिस के द्वारा न्यायालय में पेश नहीं किए गए। आखिर क्या ऐसी वजह है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा अजय धाकड़ को इतना समर्थन दिया जा रहा है? अगर इसी तरह चलता रहा तो कोई भी अपराधी बहु बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करता रहेगा और पीड़ित परिवार जेल में बंद और अपराधी बाहर घूमता रहेगा। साहू समाज के पदाधिकारियों ने प्रशासन को सचेत किया है कि अगर 7 दिन में संध्या साहू और उसके परिवार को न्याय नहीं मिलता तो गुना से भोपाल तक संघर्ष यात्रा निकाली जाएगी, वहीं बैठकर धरना भी दिया जाएगा। इस पत्रकार वार्ता में शामिल विदिशा साहू समाज के जिला अध्यक्ष एमपी साहू, राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के राजनीतिक प्रकोष्ठ के प्रांतीय संरक्षक मोहनलाल मोदी, युवा प्रकोष्ठ के प्रांतीय अध्यक्ष हिमेंद्र साहू, महिला प्रकोष्ठ की प्रांतीय अध्यक्ष कल्पना बात्री, एनएसयूआई के प्रदेश सचिव शुभम साहू, आम आदमी पार्टी के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहू, राजनीतिक के प्रांतीय अध्यक्ष विजय साहू, गुना के जिला अध्यक्ष सीताराम पप्पू साहू, मनीष साहू, रीवा सुनील साहू आदि लोग शामिल हुए। देखिए इसमें क्या होता है कि कभी कभी आंदोलन में कुछ अवांछनीय तत्व प्रवेश कर जाते हैं, है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि इस आंदोलन की सफलता को लेकर, क्योंकि हमारे युवा साथी हैं इसमें 200-250 युवा उसमें शामिल हो रहे थे, तो एक पक्ष नहीं चाहता था। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी समाजवादी की नहीं कह रहा, आरोपी पक्ष की अकेले की बात कर रहा हूँ, और पुलिस प्रशासन भी नहीं चाहता था कि ये आंदोलन सफल हो। तो इसमें एक सुनियोजित रणनीति के तहत कुछ ऐसे तत्व इसमें प्रवेश कराए गए जो दिखे हमारे आवरण में ही थे, लेकिन उन्होंने वो किया जो उनको नहीं करना था। साहू समाज एकजुट है, एकजुट था, एकजुट रहेगा। हाँ, यदि कोई राशन माफिया टाइप के लोग जो ब्लैक मनी और उसमें सब करोड़ों सरेंडर कर चुके हों, जिनके यहाँ छापे पड़े हों, ऐसे लोग अगर समाज का चोला ओढ़ के और हमारे यहाँ अव्यवस्था फैलाएंगे तो फिर समाज सब समाज का आविष्कार भी करेगा। ये मामला ऐसा है, संध्या साहू निवासी नानाखेड़ी पिपरौदा खुर्द गुना, ये 2 साल से इसे लड़का अजय धाकड़ परेशान कर रहा है और उसकी शिकायत पुलिस ने नहीं लिखी। एक रिपोर्ट उन्होंने लिखी थी 1 साल पहले, जिससे कोई कार्रवाई कोर्ट में चली गई। लड़की परेशान थी और ये लड़का लगातार छेड़खानी करता रहा, शिकायत वापसी का दबाव डालता रहा। 4 फरवरी को इस लड़के ने लड़की को बेइज्जती करने की नीयत से इसको खींचा, साइकिल इसकी गिराई, कपड़े इसके उतारने का प्रयास किया। लड़की ने घर जाके बताया और घर पे स्थिति ये बनी फिर कि जब सवाल जवाब की स्थिति आई तो सामने वाला परिवार लड़की के लिए हावी हो गया। एक पक्षी वीडियो साजेशन बना के जारी किया गया और पुलिस जो 2 साल से हत्या धरे बैठी थी वो पुलिस सिर्फ सोशल मीडिया के ट्रायल के डर से एक्शन में आई और उन्होंने 4 महिलाएं, 1 नाबालिग और बाकी पुरुष वर्ग को थाने में डाल दिया, इसको 1 महीना होने को आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मान लें कि इस संबंध में साधना सिंह जो हैं धाकड़ क्रांति समाज की अध्यक्ष हैं जी, तो क्या उनका इन्वॉल्वमेंट है इस मैटर में? नहीं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यदि उनका वैसे तो मैं कामना करता हूं उनका ना हो, यदि ऐसा है तो मैं उनको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि वो इस मध्य प्रदेश की बेटियों की मामी भी हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक बड़ी शख्सियत हैं और आपको इस पद का ध्यान रखना चाहिए कि लाखों जो कन्याएं हैं मध्य प्रदेश की वो आपको मामी मानती हैं। इस दृष्टिकोण से वो देखेंगी तो न्याय अपने आप हो जाएगा।